ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। प्रदेश में विभिन्न नगरीय निकायों में पार्षद चुनाव के लिए आज वार्डो का आरक्षण तय किया गया। नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत राज्य के स्कूल परिसरों में बाड़ियों का विकास किया जाएगा। इससे मध्याह्न भोजन के लिए सब्जियां उपलब्ध होंगी और स्टेशन परिसर में स्वच्छ वातावरण के लिए प्रदेश के दुर्ग और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन को मिला ISO प्रमाण पत्र। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना कल होगी। इस सीट के लिए 23 सितंबर को मतदान हुआ था। इस बार 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारी पूरी कर ली है। जिले के 22 प्रशिक्षण केंद्र में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले डाक मत पत्र गिने जाएंगे, इसके बाद अलग अलग राउंड में ईवीएम मशीनों की गिनती होगी। कुल 14 टेबल में 20 राउंड में गिनती पूरी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मतगणना केंद्र में सीआरपीएफ, पीएएफ सहित 800 जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इस उपचुनाव में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, पर इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहा है। आकाशवाणी न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से नरेश मिश्र। उधर चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सीट पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज जगदलपुर में अधिकारियों की एक बैठक ली और इस सीट पर सुरक्षा बलों की आवश्यकता और तैनाती की समीक्षा की। इस दौरान निर्वाचन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेक्टर अधिकारी और नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस सीट के लिए 30 सितंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। आगामी 1 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। चित्रकोट उपचुनाव के लिए मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। प्रदेश में विभिन्न नगरीय निकायों में पार्षद चुनाव के लिए आज वार्डों का आरक्षण तय किया गया। रायपुर नगर निगम में 70 में से 40 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए घोषित किए गए हैं। शहीद स्मारक भवन में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों और नेताओं के अलावा कलेक्टर एस भारतीदासन, नगर निगम कमिश्नर शिव अनंत तायल की मौजूदगी में वार्डों का लॉटरी के जरिए आरक्षण तय किया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9, जनजाति वर्ग के लिए 3 और 18 वार्डो को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इन सभी वार्डों में महिलाओं के लिए 23 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 2 वार्डों पर अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं, 1 वार्ड पर अनुसूचित जनजाति और 5 वार्डों पर अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं पार्षद चुनाव लड़ सकेंगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर की जनसंख्या 10,48,000 से अधिक है। माओवादी नेता आजाद की पत्नी और तेलंगाना स्टेट कमेटी की सदस्य सुजाता उर्फ नागाराम रूपा को आज बीजापुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। सुजाता को बीजापुर पुलिस वारंगल कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बीजापुर संवाददाता के संतोष। के नक्सली वारदातों में शामिल नक्सली सुजाता को वारंगल जेल से पूरी सुरक्षा के साथ लाया गया और बीजापुर व्यावहारिक न्यायालय में पेश कर पुनः सेंट्रल जेल वारंगल भेज दिया गया। बीजापुर एसपी का कहना है तेलंगाना पुलिस द्वारा नक्सली अपराधों में गिरफ्तार कर वारंगल जेल में रखा गया है। सुजाता उर्फ नागारा उर्फ लोकेश शर्मा शासन रुद्रारम तेलंगाना की रहने वाली है। बीजापुर जिले में 8 लाख की इनामी नक्सली है। तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य पर ही बीजापुर जिले के थाना बासागुड़ा क्षेत्र में बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार महिला माओवादी ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में कई माओवादी वारदातों को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की यह 97वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में भारत को खुले में शौच से मुक्ति की
औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित विराट सम्मेलन में यह घोषणा करेंगे। वे देशभर से आए 20,000 से अधिक सरपंचों को संबोधित करेंगे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि इन सरपंचों में से 10,000 गुजरात से होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सरपंच भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत राज्य के स्कूल परिसरों में बाड़ियों का विकास किया जाएगा। यह निर्देश स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेम साय सिंह टेकाम ने कल रायपुर में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में कृषि कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी और मध्याह्न भोजन के लिए सब्जियां भी उपलब्ध हो सकेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बैठक में यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार स्कूलों में कृषि विषय में पढ़ाई शुरू करने की पहल की जाएगी। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा की ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए जिससे निजी स्कूलों के छात्र भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिहार के पटना में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। वक्ताओं ने श्री बघेल के छत्तीसगढ़ में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज के पिछड़े और वंचित तबकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत दुर्ग और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन को ISO एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेशनल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। पूरे मध्य भारत में रायपुर के बाद दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन को यह दर्जा हासिल हुआ है। आज दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुए एक समारोह में रायपुर रेल मंडल के प्रबंधक कौशल किशोर को यह प्रमाण पत्र सौंपा गया। श्री किशोर ने बताया कि स्टेशन परिसर में स्वच्छ वातावरण और हाइजीनिक सिस्टम, पेयजल जैसी अन्य सुविधाओं के विभिन्न मापदंडों को जांचने के बाद ही दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन को यह दर्जा दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जोनों के महाप्रबंधकों और अधिकारियों की एक बैठक ली और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी ली और सभी निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे कल रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम वन चरौली में सुराजी ग्राम योजना के तहत निर्मित आदर्श गौठान का निरीक्षण करेंगे। साथ ही गोबरा नवापारा में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री गहलोत का कल जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश में युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए आगामी 15 अक्टूबर से 14 जनवरी तक युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। विकासखंडों में यह आयोजन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, जिला स्तर पर 15 नवंबर से 10 दिसंबर और राज्य स्तर पर राजधानी रायपुर में 12 से 14 जनवरी तक किया जाएगा। राज्य युवा उत्सव में गायन, वादन और नृत्य की 25 विभिन्न विधाओं को शामिल किया गया है। उत्सव में इस वर्ष पहली बार गेड़ी नाचा, राउत नाचा, डंडा नाचा, रॉक बैंड, पारंपरिक वेशभूषा, फूड फेस्टिवल और चित्रकला की प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें फूड फेस्टिवल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के व्यंजनों पर और चित्रकला प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित होगी। विकासखंड स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार ही जिला स्तरीय युवा उत्सव में भाग ले सकेंगे। इसी तरह जिला स्तर पर पहला स्थान पाने वाले कलाकारों को ही राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। विश्व पर्यटन दिवस कल मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को पर्यटन दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की कल दोपहर 2 बजे रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद कल ही शाम 4 बजे से पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी होगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ओम प्रकाश पुजारी का आज रायपुर में निधन हो गया और राज्य के सरकारी और निजी शिक्षा महाविद्यालयों में बीएड, डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड की रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए कल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। प्रदेश में विभिन्न नगरीय निकायों में पार्षद चुनाव के लिए आज वार्डों का आरक्षण तय किया गया।
नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना के तहत राज्य के स्कूल परिसरों में बाड़ियों का विकास किया जाएगा। इससे मध्याह्न भोजन के लिए सब्जियां उपलब्ध होंगी और स्टेशन परिसर में स्वच्छ वातावरण के लिए प्रदेश के दुर्ग और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन को मिला ISO प्रमाण पत्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।